देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और बहुत सारे जगहों पर ये परंपरा मानी जाती है कि छोटी दीपावली पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए छोटी दीपावली पर बहुत सारे जगहों पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। कैसे करें हनुमान जी की पूजा? नरक निवारण चतुर्दशी पर यानी छोटी दीपावली पर संध्या काल में हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, लड्डुओं में तुलसी दल डाल करके लड्डुओं का उनको भोग लगाएं। पहले भगवान राम का स्मरण करेंगे, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ौ महाशा यक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पहले भगवान राम का ध्यान करेंगे, इसके बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे। या तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, ओम हं हनुमते नमः, ओम नमो भगवते राम दूताय, बहुत सारे हनुमान जी के मंत्र हैं, या तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करेंगे, नहीं तो कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करेंगे और प्रसाद का लोगों में वितरण करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, छोटी दीपावली पर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। देखिए, नरक निवारण चतुर्दशी पर जो सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलता है, उसे यम का दीपक कहते हैं और यमराज की प्रसन्नता के लिए उसको जलाते हैं। सामान्यतः वर्ष भर में 2 बार ऐसे मौके आते हैं जब यम देवता की विशेष पूजा की जाती है। एक मौका तो नरक निवारण चतुर्दशी का ही होता है और दूसरा मौका होता है भातृ द्वितीया का, जिसे भैया दूज कहते हैं। भैया दूज पर भी यमराज से प्रार्थना की जाती है अपने भाई की लंबी आयु की और उनके रक्षा की कामना इस दिन करते हैं। तो नरक निवारण चतुर्दशी पर और भाई दूज पर सामान्यतः यम देवता की पूजा की जाती है और ये पूजा सामान्यतः मंगलकारी होती है। इसके अलावा यम देवता की पूजा नहीं करते हैं। अगर हम यमराज को समझें तो यमराज को एक और तरीके से हिंदू धर्म शास्त्रों में दिखाया गया है। आयु के देवता के अलावा यमराज ब्रह्म साधना के आचार्य भी हैं और कठोपनिषद में यम देवता ने नचिकेता को ईश्वर की उपलब्धि के मार्ग भी बताए गए हैं, वहां भी यमराज का उल्लेख आता है। तो यमराज की पूजा केवल आयु और स्वास्थ्य के लिए नहीं की जाती। यमराज की उपासना और यमराज के भाव को अगर आप समझें तो ईश्वर की उपलब्धि भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। देखिए, जो ये पंच पर्व है, ये शुरू होता है धनतेरस पर। धनतेरस पर हम दीपक जलाते हैं, एक दीपक कुबेर जी के लिए और एक दीपक धनवंतरी के लिए। छोटी दीपावली पर या नरक निवारण चतुर्दशी पर हम एक दीपक जलाते हैं यम देवता के लिए और दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, दीपकों की पूजा करते हैं और दीपक से पूरे घर को अपने सजाते हैं, प्रकाशवान करते हैं। अब इसमें एक बात समझने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि आप नरक चतुर्दशी पर भी केवल एक ही दीपक मुख्य रूप से अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे और जो सामान्यतः अपने घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाते हैं वो भी जलाते रहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीपकों की भी पूजा होती है और दीपकों की पूजा होती है दीपावली पर,
तो दीपावली पर जब 5 या 7 दीपकों की पूजा हो जाती है तब आप पूरे घर में दीपक जला सकते हैं, पूरे घर में दीपकों का प्रकाश पैदा कर सकते हैं। दीपावली के पर्व के आने के पूर्व आप पूरे घर में दीपक नहीं जलाएंगे, आप केवल एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर छोटी दीपावली पर जलाएंगे। और सामान्यतः जो पूजा स्थान पर आपके दीपक जलता है वो आपके घर पर जलता रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।